हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट पराठे की रेसिपी। जिस तरह से इस पराठे का नाम बिल्कुल अलग है, उसी तरह से ये पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस पराठे को बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। इसे एक बड़े बाउल में डाल देते हैं। इसी के साथ डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसे आपस में मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ये मैंने इसका सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। इसे ढक देंगे और ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब हम एक बाउल और लेंगे और इसमें डालेंगे एक कटोरी बाजरे का आटा। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को कद्दूकस करके ले लिया था, इसे भी इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच लहसुन, इसे मैंने पीस लिया था। ये तीन हरी मिर्च हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और ये बारीक कटी हुई हरी धनिया, इसे भी मिला देंगे। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है, आधे चम्मच से भी कम ये नमक, एक चुटकी हल्दी पाउडर और ये आधा चम्मच चाट मसाला। इन्हें अच्छे से आपस में मिला लेंगे हाथ से। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका भी एक सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को ढककर हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसे एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इस आटे को साइड में रख लेते हैं और एक प्लेट ले लेंगे और इस आटे से इस तरह से छोटी छोटी नींबू के आकार की गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक गोली और बना लेते हैं। इतने आटे से मैंने ये 5 गोली बनाकर तैयार कर ली हैं। इन्हें साइड में रख लेते हैं और जो ये हमने गेहूं का आटा रखा है, इसमें से एक लोई तोड़ लेते हैं। और बाकी के आटे को हम ढककर साइड में रख लेते हैं। अब हम इसे सूखे आटे पर लपेट लेंगे और इस तरह से इसे बड़ा कर लेंगे हाथ से। अब हम इसके बीच में जो हमने ये गोली बनाकर रखी थी बाजरे के आटे की, इसे रख देंगे और किनारे से दबाते हुए इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। इस आटे को आप चाहे निकाल लें, चाहे इसी में दबा दें। इस तरह से एक रोटी और बना लेते हैं। ये देखिए, इसे फिर इस तरह से बड़ा कर लिया हाथों से। और ये बाजरे के आटे की गोली को इसके अंदर रख कर हाथों से दबाते हुए इस तरह से ये बंद कर लिया।
अब ये पराठा बेल कर मैं आपको दिखाती हूँ। इस पराठे को इस तरह से हाँ किनारे से दबाते हुए आप बड़ा कर लेंगे। इसे इस तरह से सूखे आटे में लपेट लेते हैं। और बस किनारे से दबाते हुए इसे इस तरह से बेलकर बड़ा कर लेंगे। ये पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया है, अब इसे सेक लेते हैं। पराठे को सेकने के लिए मैंने ये तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। पराठे को तवे पर रख देते हैं और गैस की फ्लेम को हम लोग मीडियम पर ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इस पराठे को बनाएंगे, हाई फ्लेम पर मत बनाइएगा, क्योंकि हमें बाजरे के आटे को भी अंदर तक पकाना है। अब इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर ये चम्मच से घी लगा लेंगे। इसे दूसरी साइड पलट लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से घी लगा लेंगे। अब पराठे को दबाते हुए इस तरह से किनारे से सेक लेंगे ताकि हमारे पराठे किनारे पे कच्चे न रहें। दोनों तरफ से इसे पलट कर सेक लेंगे। ये पराठा हमारा सिककर तैयार हो चुका है, इसे उतार लेते हैं और एक पराठा और सेक लेते हैं। इसे भी इसी तरह से दोनों तरफ से अलट पलट कर घी लगा लेंगे और दबाते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए इसे इस तरह से दबाते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये पराठा भी हमारा सिक कर तैयार है, उसे उतार लेते हैं। ये देखिए हमारे ब्लैक एंड वाइट पराठे बनकर तैयार हैं, बाहर से वाइट और अंदर से ब्लैक। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म ब्लैक एंड वाइट पराठे बनकर तैयार हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।